अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मैं हूं तैमूर और आप देख रहे हैं तैमूर पेट हाउस। तो आज जो है वो दोस्तों हमारे मेहमान आने थे, नए मेहमान, वो भी आपको दिखाते हैं। और जो है वो फिर उनके लिए, उनको केज में डालते हैं, उनके लिए नेक्स्ट बॉक्स जो है वो हमने पहले ही लगा के रखा था। तो दोस्तों ये हैं जो प्यारे से मेहमान, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, इसमें एक मेल है और एक फीमेल है। तो इनको अभी हम रिलीज़ करते हैं इनके नए केज में। ये अभी अभी दोस्त छोड़ के गया है, जिससे मैंने मंगवाए थे तो वो छोड़ गया। तो इनको अभी हम रिलीज़ करते हैं, उसके बाद जो है वो आपको इनकी रूटीन बताता हूँ मैं। ये इसको खोल दिया हमने, इनका केज। अब यहाँ पे इनको रिलीज़ करते हैं। माशाल्लाह दोनों प्यार से रिलीज़ हो गए हैं अपने नए घर में। ये देखिए आप कि ये जो पेयर है ना, ये पहले वाले थे। ये हमारा फिशर है, और जो है ग्रीन फिशर है और एक ब्लू फिशर। यहाँ पे ये जो है नेस्ट के अंदर है। तो ये हमारी चेरी और ग्रे दोनों साथ हैं माशाल्लाह। इनका नेक्स्ट भी आपको दिखाता हूँ मैं, इनका जो घोंसला है ना। ओह ये तो मेरी तरफ आ रही है, प्यारा सा बना दिया इन्होंने। अच्छा वो देख रही है, वो कह रही है कि ये क्या कर रहा है मेरे घर के साथ। मैं बहना कुछ भी नहीं कर रहा चेरी, अब टेंशन ना लो। ये लो मैंने बंद कर दिया, ये ना पड़ती भी है। अब जो है ना दोस्तों, ये फूल के बैठ जाती है, पता नहीं क्या है इसको। मैं जैसे ही इसके पास आता हूँ ना इसके केज के, तो ये फूल के बैठ जाती है। तो इनको दाना डालता हूँ पहले मैं, इन सबको भी, क्योंकि इनका दाना ख़त्म हुआ है। उसके बाद इनकी ये जो है ना केज की सफाई करते हैं हम। नीचे भी काफ़ी ज़्यादा गंद हो रखा है, तो इसकी भी सारे की सफाई करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले दाना डालना। ये जो है हमारे पास साफ़ बाजरा पड़ा हुआ है, गंदा नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। चेक करें आप, ना इसमें मिट्टी है ना इसमें गंद है। तो इसी तरह की जो खुराक है वो आपने यूज़ करवानी है, खुराक ज़्यादा गंदी ना हो, उसमें गंद ना हो। इसको एक हम भर लेते हैं, इससे इतना सही मैं डालता हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ख़राब जल्दी कर देते हैं। ये वेस्ट वाला है, और ये जो है वो हमारा जो अभी हमने यूज़ करवाना है इनको। आप भी थोड़ा ही जो है ना वो दाना यूज़ करवाया करें, अगर आप में से किसी ने रखे हुए हैं ना बर्ड, तो दाना जो है वो उनको बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करवाया करें, ताकि ये फिर ख़राब नहीं करते। इसको पहले हम उठा लें। अच्छा मैं जब ये लेने गया था ना इनके लिए डिब्बियाँ, तो साइज़ जो है वो बड़ा ले आया था मैं। ये फिट करना, फिक्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। इनका बॉक्स नीचे गिर गया, अल्लाह अकबर, ये कैसे गिरा। इसको लगा दूँ ताकि ये यहाँ से निकल ना जाए। ये कैसे गिरा होगा। खैर ये एक हमने फिक्स कर लिया, अभी जो है वो दूसरा डालते हैं इनको। ये लें दोस्तों, ये भी हमने लगा दी। फिक्स हो गया ये भी। तो दोस्तों आपको ये नए नए बर्ड जो है वो हमारे कैसे लगे हैं। अच्छा इनकी वो स्टिक भी नीचे गिर गई है, उसको भी मैं फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसे नहीं फिक्स होनी, इसको बाद में करते हैं। अच्छा ये जो हमारे ऑस्ट्रेलियन है ना, बिल्कुल शरीफ होके बैठे हुए हैं। दाना इनको चेंज कर दिया था मैंने, अभी मैं इनके केज की सफाई कर लूँ और फिर वो स्टिक वगैरह लगा देता हूँ, ताकि जो है वो आराम से ये बैठ जाए। और हमारी कॉकटेल जो है ना चेरी, ही अंदर जा रही है फीमेल। ग्रे को कोई टेंशन ही नहीं है भाई, वो सुकून से खा रहा है। अच्छा इसका भी दाना ख़त्म हुआ है,
चलें इनका भी दाना डाल देते हैं। अच्छा ये इनका ध्यान रखना भी बड़ा ज़रूरी होता है, किस वक़्त किसका दाना ख़त्म है उनको डालो। थोड़ी सी देर की आपने तो काम ख़राब हो जाना है। ये देखिए कैसे कैसे आके पास खड़ा हो गया। साथ ही खाना शुरू ले, मुझे काट रहे हो, नीचे आके खाना खाओ आप भी। चेरी भी नीचे आ जाओ आप भी। चेरी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।